नमस्कार। आज के पाठ का नाम है नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह पाठ चपला देवी ने लिखा है। इस पाठ में एक बालिका की कहानी बताई गई है जो सत्य घटना पर आधारित है। सन 1857 में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो सितंबर का महीना था उसमें आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ वस्त्र पहने हुए वहाँ जो मलबा बन गया था, महल का मलबा बन गया था, नाना साहेब का महल था, उसके मलबे पर बैठकर रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अंग्रेज सैनिक वहाँ आ जाते हैं और वह उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है, लगातार रोती रहती है। उसी समय जनरल आउटरम भी वहाँ आ जाता है, मैना को पहचान लेता है और मैना इतने सारे सैनिकों से घिरी होने के बावजूद भी उनसे डरती नहीं है। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में इस तरह की देवियों का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाएगा। 1857 में जब नाना साहेब कानपुर में भीषण नरसंहार में असफल हो गए थे तो वहाँ से निकलने लगे, लेकिन जल्दबाजी में अपनी बेटी मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में जो उनका महल था उसमें रहती थी। बाद में दमन की आग में और अंग्रेज सैनिकों के निरीह अत्याचार के कारण देवी मैना को जीवित ही आग में जला दिया गया। उसे आग में जलता हुआ देख करके कोई कठोर दिल वाला भी बिल्कुल पिघल गया होगा। कानपुर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज सेना बिठूर महल की ओर बढ़ी। वहाँ पर उन्होंने महल को जितना भी लूटना था लूट लिया। जो भी सामान उनके हाथ लगा, कीमती सामान, सब संपत्ति उन्होंने लूट ली। महल को लूटने के बाद उन्होंने योजना बनाई कि अब इस महल को तोप के गोलों से उड़ा दिया जाए, यानी इस पर तोप के गोले बरसाए जाएं और इस महल को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन तभी एक सुंदर बालिका महल के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। मना करते हुए वह कहती है कि महल तो जड़ है, यानी इसमें जान नहीं है, महल ने किसी का क्या बिगाड़ा है, और सेनापति हे से महल की रक्षा करने के लिए कहती है। लेकिन सेनापति उसे कहता है कि वह इस काम में समर्थ नहीं है, वह उसके महल की रक्षा करने में कोई मदद नहीं कर सकता है। देवी मैना उसे कहती है कि जनरल हे की बेटी उसकी दोस्त रही थी और उसके पास उसका लिखा हुआ पत्र भी है। यह सुनकर के जनरल हे का दिल पसीज जाता है और वह देवी मैना को पहचान भी लेता है और उसे महल की रक्षा करने का वचन भी देता है। किंतु उसी समय उनका प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ जाता है। उसे बहुत अधिक क्रोध आया हुआ होता है, वह बहुत गुस्से में होता है और बिगड़कर पूछता है कि अभी तक महल को उड़ाया क्यों नहीं गया। सेनापति हे उसे महल को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, किंतु जनरल आउटरम कहता है कि नाना के वंश और महल पर दया दिखाना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तभी उसने सेना को महल का द्वार तोड़ करके उसके भीतर जाने का आदेश दे दिया। हे के चले जाने के बाद भी मैना कहीं छुप जाती है। सैनिक बहुत प्रयास करते हैं कि उसे ढूंढ लिया जाए, लेकिन वह असफल हो जाते हैं, उन्हें मैना नहीं मिलती है। तभी लंदन के मंत्रिमंडल का तार भी आ जाता है कि
वहाँ लंदन की आज्ञा के विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से पूरे महल को तहस नहस कर दिया जाता है, मलबे के ढेर में बदल दिया जाता है, लेकिन देवी मैना का कहीं किसी को कुछ भी अता पता नहीं चलता है। फिर उसी रात बालिका स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसी महल के मलबे पर बैठ कर के रो रही होती है और अवतरम वहाँ आ जाता है। वह मैना को पहचान लेता है। वह कहती है कि उसे जी भर के रो लेने दिया जाए, लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती है और उसे कानपुर के किले में ला कर के कैद कर दिया गया। कानपुर के एक समाचार पत्र में यह छापा गया कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में वह बिल्कुल शांत और सरल मूर्ति की तरह बनी रही और उस अनुपमा बालिका को जलती देखकर सब ने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। इस प्रकार से मैना का कसूर बस इतना था कि वह स्वतंत्रता सेनानी नाना साहिब की बेटी थी और नाना साहिब से बदला लेने के लिए उनकी बेटी को जीवित ही आग में जला दिया गया। यह अंग्रेजों का अमानवीय और नीच कर्म था। निरीह और निरपराध मैना बिल्कुल महल में अकेली रह गई थी और उसने कभी भी किसी को पीड़ा तक नहीं पहुंचाई थी। वह अंग्रेजों से बिल्कुल भी डरती नहीं है। लेखक बताना चाहता है कि किस प्रकार से नाना साहेब की शत्रुता का बदला लिया गया कि उनकी मासूम बेटी को जीवित आग में भस्म कर दिया गया। कानपुर में अंग्रेज सेना और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में संघर्ष हुआ था। उसमें भारतीय सेनाएं हार गई थी और विद्रोह को दबा दिया गया था, किंतु इसकी कीमत अंग्रेजों को बहुत महंगी पड़ी थी क्योंकि उसमें अंग्रेजों के बच्चे और पुरुष स्त्रियां काफ़ी मारे गए थे। इसीलिए अंग्रेज जो थे नाना साहेब के बहुत बड़े शत्रु बन गए थे। लेकिन नाना साहेब को तो वह पकड़ नहीं सके, इसलिए उनकी पुत्री को जीवित ही आग में जला करके अपना बदला उन्होंने लिया। नाना साहेब की देशभक्ति और बहादुरी यहाँ पर दर्शनीय है। नाना साहेब जो थे अंग्रेजों की आँखों की किरकिरी बन गए थे, यानी कि उनकी आँखों का कांटा बन गए थे। क्यों? वो खटकने लगे थे क्योंकि वो क्रांति में प्रमुख हिस्सेदार थे। इसी वजह से वहाँ उनकी पुत्री को जीवित ही जला दिया गया था। नाना साहेब एक महान देशभक्त थे। वे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे और मैना उनकी पुत्री जब वो भाग रहे थे तो उस उनके बिठूर के महल में रह गई थी और गिरफ्तार करके उसे जला दिया गया था जीवित ही आग में। कहा जाता है कि शक्ति तोप और तलवार में नहीं होती, शक्ति साहित्य में होती है। यह जो सत्य कथा लिखी गई है यह बलिदान से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ने वाले लोगों के लिए प्रेरणा शक्ति का काम इस कथा ने किया होगा। यह पाठ महान उद्देश्य को लेकर के लिखा गया है।